रमण महर्षि की एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसमें एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि स्वामी जी हमको आप गुरु क्यों मिले, हमको विवेकानंद जी गुरु रूप में क्यों नहीं मिले। जैसे हमारा प्रश्न है कि हमको बापूजी ही गुरु मिले, हमको साई लीला शाह गुरु क्यों नहीं मिले। ऐसे उसमें प्रश्न लिखा था कि शिष्य को वही गुरु क्यों मिलते हैं। तो रमण महर्षि जी ने बड़ा सूक्ष्म उत्तर दिया था कि गुरु और शिष्य की जो मुलाकात होती है वो केवल इस जन्म की नहीं होती, इसका उत्तर आप स्वयं देंगे। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक बार मात्र बापू के दर्शन किए, या यूं कह लूं कि एक बार गुरुजी का केवल सत्संग सुना और ऐसा मन को छू गया, भा गया कि हमने मन में ठान लिया कि गुरु बनाएंगे तो बापू जी। तब रमण महर्षि ने उत्तर दिया था कि गुरु शिष्य का नाता केवल इस जन्म का नहीं होता है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि 100 गाय खड़ी हो, लेकिन 100 गाय में भी उसका बछड़ा जो है वो अपनी गौ माता को चुन लेता है और उसी के पास जाके खड़ा हो जाता है, उसी से प्यार पाता है। ऐसे कितने भी जन्मों की यात्रा वो शिष्य अपने गुरु के पास आके पहुंच जाता है, उसे ढूंढ निकालता है, या ये कह लूं कि गुरु शिष्य को ढूंढ निकालता है, दोनों तरफ से कह सकते। ये बहुत प्यारा नाता है, इसकी व्याख्या करना, इसकी गहराई में जाना मेरी जीवा की ताकत नहीं है। ये रिश्ते की अगर मैं एक पंक्ति में व्याख्या करूं तो इतनी करूंगी कि बड़ा अद्भुत रिश्ता है कि नश्वर देना है और शाश्वत लेना है। बोलिए तो, नश्वर देना है और शाश्वत लेना। आप गुरु पूनम पे आएंगे तो क्या लेके आएंगे, मैं क्या लेके जाऊंगी? फूल की माला, वस्त्र, आम। अच्छा बापूजी विराजमान हो तो क्या ले जाएंगे? चलो दक्षिणा, फल, ड्राई फ्रूट, वस्त्र, सोना चांदी, आप जो कह लो मुझे स्वीकार। लेकिन जो भी आप ले जाओगे वो नश्वर होगा कि शाश्वत? कबूल कीजिए, नश्वर। लेकिन जब आप वो नश्वर दे आओगे वो दैवी कार्यों में लग जाएगा, लेकिन गुरु के हृदय से जो कृपा मिलेगी वो नश्वर होगी कि शाश्वत? शाश्वत। वो आपको रब से जोड़ेगी, वो आपको ईश्वर से जोड़ेगी। तो ये बड़ा प्यारा रिश्ता है। विवेकानंद ने भी इस रिश्ते को कई बार ठुकराने की कोशिश की थी। जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिले थे तो उठते समय कह के आए थे, कभी ना आऊंगा दोबारा तुम्हारे पास। तो रामकृष्ण मुस्कुराए थे क्योंकि उनको पता था ये मेरे बिना अब रह ही नहीं पाएगा। तो रामकृष्ण मुस्कुराए थे और कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे कह के जा रहे हो कि अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा? तो कहा तुमने मुझ पर जादू किया है। तो कहा मैंने तुम पे कब जादू किया? कहा तुम्हारी आंखों में कुछ है। तो और रामकृष्ण परम हंस पड़े थे कि मैंने आंखों से जादू किया है? तो कहा मैं जाऊंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा, तुम्हारे आंखों में कुछ है जो मुझे खींच रहा है। विवेकानंद गए तो संकल्प करके थे कि मैं कभी नहीं आऊंगा, लेकिन दोबारा ही आ गए थे, दूसरे दिन ही आ गए थे। और कई दसों बार कह के गए थे मैं नहीं आऊंगा, लेकिन खींचे खींचे चले आते थे। और आखिरी में कई बार ठाकुर भी मजाक उड़ाते थे कि कल तो तुम नहीं आने वाले हो ना, तो फिर वो चुप हो जाते थे, कहते ये ऐसा आपने पावन डोर से बांध दिया है कि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैंने जीवनी पढ़ी थी तो उसमें लिखा था कि ठाकुर को गले का कैंसर हो गया था, तो कई बार कफ के साथ ब्लड आ जाता था। जब तक उठते तब तक गिरने का संभावना होता था तो विवेकानंद अपने दामन में ले लेते थे उसको, और कई बार उसका पान कर लेते थे। कहते थे ज्ञानी का ये भी प्रसाद भी ज्ञान स्वरूप है।
ऐसी उनकी निष्ठा थी।